Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. आज के वीडियो में हम AC and DS elements के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक transposition element का part है. ये transposition की जो हमारी series चल रही है, उसका last video रहने वाला है. So let's get started with the lecture, guys. उम्मीद है कि आपने पहले के जितने भी videos हैं, वो देख लिए होंगे. यहाँ पर अगर हम देखें इस experiment में, ये जो scientists थी, इन्होंने यहाँ पर जो corn होता है, that is जो maize होता है, उनके जो kernels है, उनमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर्स आ रहे हैं. उनको पर्पल कलर के दिखे, उनको येलो कलर के दिखे, और उनको कुछ यहाँ पे कर्नल्स दिखे जिनके पास सिर्फ स्ट्रिप्स प्रेजेंट थी. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है. उन्होंने यहां पर क्या देखा कि जो मेज है वो मल्टी कलर हो सकता है. मल्टी कलर इन्होंने देखा, यानी कि स्ट्रिप्स के साथ देखा. उसी के साथ साथ इन्होंने देखा कि पूरी तरीके से पिगमेंटेड भी हो सकता है, मतलब पर्पल कलर का भी हो सकता है, या फिर कलरलेस भी हो सकता है, यानी कि येल्लो कलर का भी हो सकता है. अब इसका रीजन इन्हें जानना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कॉर्न इतने सारे कलर्स का हो सकता है. तो इसके लिए इन्होंने यहां पर बताया कि दो जीन्स होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है डीएस. ये जो जीन्स होते हैं ट्रांसपोजिशन के जीन्स होते हैं. ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो जीन्स है वो जंप कर सकते हैं. अब जिनमें से जो एसी एलिमेंट है वो ऑटोनॉमस हो सकता है. ऑटोनॉमस का मतलब कि इसके पास वो सारी चीजें प्रेजेंट है जो जंप करने के लिए इंपॉर्टेंट है. वहीं जो यहाँ पर डीएस है वो नॉन ऑटोनॉमस है. नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि इसके पास सारी चीजें नहीं प्रेजेंट है जो जंप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए जीन के पास होनी चाहिए. यानी कि यहां पर ये जो डीएस है वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, एसी के ऊपर. जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो कि डीएस कब बनता है, जब कुछ डिलीशन होता है. और यहां पर डिलीशन किस हिस्से का हो रहा है, उस हिस्से का डिलीशन हो रहा है जो जंप करवाने में मदद करता है. जंप करवाने में मदद कौन करता है, ट्रांसपोजेस जीन का एंजाइम जो होता है, ट्रांसपोजेस एंजाइम, वो जंप करवाने में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह पे. और डीसी के डीएस के पास ये नहीं है, इसकी वजह से ये डिपेंडेंट रहता है एसी के ऊपर. तो यहां पर ये एसी के ऊपर डिपेंडेंट है, एसी इसको ये एंजाइम बना के देगा जिसकी वजह से जो डीएस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर पाएगा. अब यहां पर इसकी वजह से क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसकी वजह से इतने सारे अलग अलग टाइप के कॉर्न्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं. नॉर्मल येलो कलर के क्यों नहीं हो सकते, या सिर्फ पर्पल कलर के क्यों नहीं हो सकते, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिखते हैं. ये दो जीन्स है ठीक है, लेकिन ये करते क्या है. तो यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कर्नल क्या होता है. यहां पर जैसा कि देखा, इस तरीके का उनको ये स्ट्रक्चर दिखे थे कॉर्न के. यहां पर जो एक बीज होता है जो हम खाते हैं, यहां पर ये जो एक बीज है वो यहां पर क्या होता है, वो एक एम्ब्रियो होता है. सिर्फ सिंगल बीज जो है वो एम्ब्रियो, यानी कि ये सारे इतने सारे एम्ब्रियो से बना हुआ है. एम्ब्रियो कब बनता है, जो पोलन ग्रेन और जो एग है वो फर्टिलाइज करते हैं, तब यहां पर एक एम्ब्रियो बनता है. तो यहां पर जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एम्ब्रियो है. अब यहां पर कहानी किस तरीके से चलती है, यहां पर अगर इस एम्ब्रियो के पास कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी अलील प्रेजेंट है, अगर यहां पर इसके पास इन दोनों में से कोई अलील प्रेजेंट है, तो ऐसा जो कर्नल होगा वो पर्पल कलर का होगा या पिगमेंटेड होगा. वहीं अगर स्मॉल सी है तो वो येलो कलर का होगा. कहने का मतलब है कि वो कलरलेस होगा. अब ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रही हूं कि ऐसा भुट्टे में हमारे मेज में एग्जिस्ट करता है. अब डीएस और एसी क्या करते हैं इसमें, वो समझने वाली बात है. यहां पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, वही वाली कंडीशन बताई गई है कि अगर स्मॉल सी होगा तो येलो कलर का होगा. वहीं अगर यहां पर कैपिटल सी आ गया है तो कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा. अब हम यहां पर रोल समझते हैं एसी और डीएस का. मैंने आपको बताया था कि जो डीएस है वो नॉन ऑटोनॉमस होता है, तो वो खुद तो जंप नहीं कर सकता. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एसी प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांसपोजेस एंजाइम को, जिसकी वजह से डीएस है वो जंप कर पा रहा है. अब डीएस जंप करके कहां जा रहा है, ये जो सी अलील है इसके बीच में जा रहा है, यानी कि सी अलील के बीच में चला गया. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो सी अलील है वो इनएक्टिव हो जाएगा. वो यहां पर जो पिगमेंट बना रहा था वो पिगमेंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक नई चीज आ चुकी है, तो ये इनएक्टिव हो गया है, जीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा पिगमेंट की. ऐसे अलील को हम सी टी अलील कहते हैं.
और यहां पर जो दूसरा इसके पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम, उसके पास स्मॉल सी प्रेजेंट है. स्मॉल सी तो वैसे भी नहीं बनाता है पिगमेंट, तो इस कंडीशन में जो हमारा कर्नल होगा वो येलो कलर का होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर डीएस जो है वो इस अलील के, कैपिटल सी अलील के बीच में आ चुका है. यहां पर हमें समझ में आ गया पर्पल क्यों होता है, येलो क्यों होता है, और ये एसी डीएस करते क्या. अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिप क्यों थे, क्यों यहां पर हमें स्ट्रिप्स दिख रहे थे. तो यहां पर स्ट्रिप्स का रीजन ये होता है, अगर हम इस फोर्थ वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहां पर डीएस आ गया था बीच में, जिसकी वजह से यहां पर येलो कलर का हो गया था. पर अब यहां पर क्या हो रहा है, ये डीएस फिर से यहां से जंप कर रहा है. एसी ने इस डीएस को फिर से यहां से जंप करवा दिया और ये डीएस ने सी अलील को छोड़ दिया, उसको बोल दिया तेरे को बख्श दिया जा मैं जा रहा हूं. अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये डीएस निकल गया, जिसकी वजह से यहां पर जो कर्नल है इसमें येलो कलर के साथ साथ पर्पल कलर के भी सेल्स बनने लग जाएंगे. कहने का मतलब क्या है, समझिए यहां पर एक साइकोट प्रेजेंट था. इस साइकोट में क्या हुआ, इस साइकोट में ये नंबर सी वाली कंडीशन आ गई होगी, जिसकी वजह से अभी इसका जो सेल है, इसका यहां पर सेल के पास कैपिटल सी और स्मॉल टी अलील प्रेजेंट है, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है. हमें पता है जाइकोट क्या करता है, डिवीजन करता रहता है. जाइकोट और सेल्स बनाएगा. अब जब और सेल्स बन रहे थे तो कुछ सेल्स में यहां पर फोर्थ वाली कंडीशन आ गई. फोर्थ वाली कंडीशन कुछ सेल्स में आ गई, यानी कि कुछ सेल्स में डीएस जो है फिर से जंप कर गया और यहां से निकल गया. तो जिस सेल में ये डीएस निकल गया है उस सेल का कलर हो जाएगा पर्पल कलर का, वहीं जिसमें ये डीएस नहीं गया है वो अभी भी येलो कलर का होगा. इसलिए यहां पर स्ट्रिप्स देखने को मिली है. कुछ सेल्स में यहां पर डीएस जो है जंप कर गया, कुछ सेल्स में जंप नहीं कर पाया. इस रीजन की वजह से जो यहां पर हमें कर्नल्स मिल रहे हैं वो स्ट्रिप्ड मिल रहे हैं. इसी कंडीशन को आप यहां पर भी देख सकते हो. सेम वही कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई वही बताई गई है. अगर कैपिटल सी प्रेजेंट है तो पर्पल कलर का कर्नल बनेगा. अगर स्मॉल सी है और कैपिटल सी के बीच में ये हमारा डीएस आ गया तो येलो कलर का कर्नल बनेगा. यहां पर आप देख सकते हैं कि वही अगर ये जो डीएस है वो फिर से जंप कर गया, निकल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अभी प्रेजेंट है कैपिटल सी में, यहां से जंप कर गया, अगर ये जंप कर गया तो यहां पर स्पॉटेड कलर के कर्नल्स बन जाएंगे. स्पॉटेड या स्ट्रिप्ड बोल सकते हैं. अब यहां पर जो ये स्ट्रिप होगी वो कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करता है कि जो डीएस है वो फिर से जंप कर कब किया. अगर डीएस बहुत लेट जंप करेगा तो छोटी पतली स्ट्रिप बनेगी, अगर थोड़ी जल्दी जंप कर जाएगा तो लार्ज स्ट्रिप बनेगी, और बहुत जल्दी जंप कर जाएगा तो पूरा ही फिर पर्पल कलर आ सकता है. तो इस तरीके से यहां पर ये कंडीशन होती है. आप यहां पर देख भी सकते हैं डिफरेंसेस, लार्ज स्पॉट कब आएंगे, स्मॉल स्पॉट कब आएंगे, और यहां पर ये पूरी कंडीशन कब हो. सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस ये है कि डीएस जो है वो कैपिटल सी अलील के बीच में आ रहा है. जितनी देर तक वो उधर बैठा रहेगा उतनी देर तक जो कलर है वो येलो रहेगा, और वो वापस से जंप करके बाहर निकल जाएगा तो पर्पल कलर आ जाएगा. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.